अंकल सारी अरेंजमेंट्स हो गई हैं, आपको वहाँ पे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर हुई भी तो प्लीज़ आपने फ़ौरन मुझसे रब्ता करना है, मैं आपसे कांटेक्ट में रहूँगा। थैंक यू बेटा, इस वक्त में तुमने मुझे ताबिश की बिल्कुल कमी महसूस होने नहीं दी। अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा इस बात का, तो मुश्किल की इस घड़ी में तुम हम सबके साथ खड़े रहे। अरे अंकल प्लीज ऐसी बातें करके शर्मिंदा ना करें, आपने अपना बहुत ख्याल रखना है वहां जाके, क्योंकि अगर आप ठीक हैं तो आंटी और सैरिश भी ठीक है। और सैरिश जी, तुमने अपना खुद ख्याल रखना है, किसी किस्म की कोई टेंशन कोई स्ट्रेस नहीं लेना, और वन मोर थिंग, आंटी अंकल को अपनी वजह से बिल्कुल परेशान करने की जरूरत नहीं, आई नो यू, ओके? इंशाल्लाह तुम बहुत जल्द बिल्कुल ठीक होकर वापस आ जाओगी। इंशाल्लाह। डोंट वरी, आपने क्या तो मैं ख्याल रखूंगी। बस बेटा हमारे लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश में पूरा उतारे और मेरी बेटी को अल्लाह जल्दी ठीक कर दे। और तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना और आहिल का तो बहुत ज्यादा ख्याल रखना बेटा। आप बिल्कुल परेशान ना हो मामा, इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ मेरे ख्याल से हमें निकलना चाहिए, फ्लाइट का टाइम भी हो गया है। जी। आखिर मैं जिंदा वापस आई तो एक नई सहरिश को देखेंगे आप। जिसके दिल में सिर्फ खुलूस और मोहब्बत होगी, इंशाल्लाह तुम जरूर आओगे। मम्मी प्लीज परेशान नहीं हो, सहरिश ठीक हो जाएगी। हमेशा ऐसा क्यों होता है सारे, कि जो लोग अच्छे होते हैं अल्लाह हमेशा उन्हें आजमाइश में डालता है। पहले मामा पापा से ताबिश को छीन लिया, फिर सैरिश की ये बीमारी। अल्लाह सिर्फ उन्हें आजमाते हैं जो उसके करीब होते हैं, और अल्लाह कभी इंसान को उसकी हिम्मत से ज्यादा बर्दाश्त से ज्यादा नहीं आजमाता। आपको पता है सैरिश को मैं कभी अच्छी नहीं लगती थी, पहले उसे लगा कि मैंने ताबिश पर कब्जा कर लिया है, फिर उसे लगा आप पर कब्जा कर लिया। बहुत गलत किया उसने मेरे साथ, लेकिन मैंने कभी उसका बुरा नहीं चाहा, क्योंकि तुम हो ही इतनी अच्छी, नरम दिल है तुम्हारा। जाने से पहले मुझसे माफी मांग रही थी कि मैंने आपके साथ जो जो गलत किया उसके लिए मुझे माफ कर दे, लेकिन पता नहीं क्यों उसे इस तरह देखकर तकलीफ ही हुई मुझे। मैं कभी नहीं चाहती थी वो इस तकलीफ से गुजरे। I can understand. बस दुआ करो उसके लिए, और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम सैरिश को हॉस्पिटल लेके गई थी, क्या कुछ हुआ था तुम दोनों के दरमियान? कुछ भी नहीं हुआ।